अभी हाल इतना खराब हो गया है मेरे घर का, ऐसा हो रहा था कि मैं गई क्यों हूँ मेरे घर, जाना ही नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर भी यहीं पे ही रहता। तो आज पता नहीं ब्लॉग में क्या हो रहा है कुछ। हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और मैं आ गई हूँ वापस से घर, 15 दिन के बाद मैं आई हूँ घर पे। मम्मी के घर रुकी थी 15 दिन, 24 तारीख को गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मुझे मम्मी के घर रुकना पड़ा। और अभी भी है ना थोड़ी थोड़ी सी ऐसी डाउन तबीयत चल रही है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है। और 15 दिन के बाद मेरे घर का हाल कुछ ऐसा खतरनाक वाला हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वो सारी सब्जियां तो मैं रात को लेके आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेट किया है और किचन का हाल भी खराब हो गया है, बाहर का भी हाल इतना खराब हो गया है मेरे घर का कि ऐसा हो रहा था कि मैं गई क्यों मम्मी के घर, जाना ही नहीं था, तभी ठीक नहीं थी तो फिर भी यहीं पे ही रहना था और यहीं पे मुझे घर को देखना, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ा और रुकना ही पड़ा। मम्मी तो और भी बोल रही थी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बोली नहीं थोड़े दिन के बाद वापस से आऊँगी तब रुक लूँगी। तो बस मैं अभी है ना काम करने बस स्टार्ट ही कर रही हूँ सारा काम, और थोड़ा बहुत करा है, थोड़ा बहुत बाकी है। और मुझे बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे बैक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे से ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस करते हैं पूरा घर को सेट, आज तो एक दिन में नहीं होगा, मैं आई तो कल हूँ, लेकिन मैं कल आके बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से मैं ना लेट गई थी, कुछ भी कल मैंने काम नहीं किया, आज सारे काम करने वाली हूँ, सारे तो नहीं जितने होंगे उतने सारे काम करूंगी। पहले तो मैं किचन का ही सारा देखूंगी क्योंकि किचन में हमको खाना वाना बनाना होता है, नीट क्लीन होगा किचन तो खाना आसानी से बना पाएंगे। वीडियो भी अपलोड करने के लिए रखा है लेकिन पता नहीं अपलोड हो ही नहीं रहा, अपलोड हो जाए तो आज मैं डाल दूं। और भी मेरे पास 2-3 ब्लॉग पड़े हैं तो वो भी पहले आएंगे, उसके बाद ये मेरा ब्लॉग आएगा, अब आएगा पता नहीं कुछ भी। बच रहे हैं 1:30 और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, सुखाए नहीं है, अब मैं खाना खा के सो जाऊंगी, उसके बाद शाम को कपड़े सुखाऊंगी और काम भी थोड़ा बहुत हुआ देखो, और बाकी है बर्तन धोने आधे हुए हैं आधे बाकी, ऐसे सारे काम हो रहे हैं मेरे, धीरे धीरे सारे काम कर रही हूँ, शाम तक देखते हैं कितने काम होते क्या होते। अभी तो मैं फिलहाल खाना खा के दवाई खा के सो जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको शाम को मिलूंगी। तो अभी 8:10 हुई है और मैं शाम को उठी नहा के फ्रेश होके सारा घर मतलब जितना हुआ उतना सारा सेट कर दिया और सब सेट हो गया, कपड़े भी धुल चुके, बस बर्तन धोने हैं, थोड़े हैं बर्तन तो वहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हैं वो धोने हैं, बाकी सारा सेट कर दिया है मैंने। और देखो 8:10 हो गई है और मेरा मुँह भी कैसा उतर गया है, मतलब की तबीयत नहीं है तो कमर के दर्द के मारे मेरा आवाज़ भी बैठ गया है और सर्दी हुई है इसकी वजह से, और अभी पंखा बंद किया है तो गर्मी भी लग रही है क्योंकि है ना पंखा बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। तो अनिल को बोल ही रही थी कि पंखे को थोड़ा सा रिपेयर करवाओ क्योंकि इतना आवाज़ करता है कि नींद ही नहीं आती। तो चलो फिर से मैं करती हूँ आराम, और खाना अनिल बोल रहे थे लेके आएंगे, चलो मिलती हूँ बाद में।
हेलो धर्माचार एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और मैं 3 बजे से जग रही हूँ, सो रही हूँ। इतनी खांसी भयानक वाली हुई है, ठीक ही नहीं हो रही। और 3 दिन से हमारा ब्लॉग कंटिन्यू है, लेकिन बीच में मैंने कोई शूट नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि चलो, तबीयत ठीक नहीं है, सब करके देख लिया, ठीक नहीं हो रही। अब मैंने सोचा है कि तबीयत से ध्यान हटा के थोड़ा सा मैं ना कुछ और एक्टिविटी करती हूँ। कितने दिन से मैंने सिलाई नहीं की, तो आज मैं सोच रही हूँ सिलाई करूँ। घर के काम इतने सारे मैंने साइड में रख दिए, जितने हुए हैं उतने किए हैं। और अभी मैं ये कपड़े डाल रही हूँ प्रेस के। रात को अनिल ने ही फोल्ड करके रखे कपड़े, मैंने फोल्ड नहीं किए, क्योंकि इतनी हालत मेरी ख़राब है कि मेरे से ना ढंग से बोला भी नहीं जा रहा, ऐसी मेरी हालत है। तो बस ये कपड़े सारे मैं प्रेस करने के लिए डाल रही हूँ। तो खांसी की दवाई मैंने मंगाई अनिल के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने लिख दी थी वही दवाई है। तो अनिल लेके आएंगे, उसके बाद तभी मैं ये कपड़े अनिल के साथ भिजवा दूँगी, तो अनिल प्रेस करने के लिए दे देंगे और मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। वो साइड में सारी सिलाई है जो मैंने ऐसे ढक के रखी है। तो बस सोच रही हूँ सिलाई मशीन पे थोड़ी देर बैठूँ, 15 मिनट या आधा घंटा। तो माइंड है ना थोड़ा सा, कि मेरी फेवरेट काम है सिलाई करना, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा। क्योंकि तबीयत नहीं है तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे, और ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन जैसे मैं सोती हूं वैसे मुझे खांसी होती है। और सुबह मैंने 7:30 बजे से मैंने सारे खांसी में जो जो चीज़ें होती है सारी मैंने कर ली, मतलब कि गर्म पानी पिया, विक्स लगाया, विक्स की गोली खाई, फिर मैंने स्टीम लिया क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। जैसे स्टीम लेना मैंने स्टार्ट किया, 5 मिनट हुई और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, तो इतना ज़्यादा कफ निकला, तो हालत ख़राब है मेरी। और इसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही। तो चलो करते हैं काम, और वीडियो को आज एक एडिट करना है और वो भी डालना है। तो बस थोड़ा सा आज मैं सोच रही हूँ काम पे ध्यान दूँ, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए मेरा। तो हेलो, अभी बज रहे हैं 5 और मैं नहा के 4:30 बजे आ गई थी किचन में, कर रही थी बर्तन। सुबह नहीं किए थे क्योंकि खांसी ने मेरी हालत ख़राब कर दी, और ये सब साफ़ करना है, प्लेटफॉर्म सब। तो बस बर्तन मेरे हो गए हैं और एक बाकी है, इसको मैं धोऊंगी। और मुझे याद आया कि व्लॉगिंग तो मैंने किया ही नहीं, ना लिया मैंने 4:30 बजे, क्योंकि बाल धोने थे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहा लूँ, और कुछ सूझ नहीं रहा क्या बोलूँ, इतना मैसी घर पड़ा है। सिलाई करने भी नहीं बैठी क्योंकि सुबह मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और पोस्ट किया जो आपने देखा, और अब मैं थोड़ा सा वो सेट कर लूँ, प्लेटफॉर्म साफ कर लूँ। कपड़े कल धोए थे, सूख गए हैं, उनको उठा लूँ और फोल्ड करने डालना है, फोल्ड करने रखना है क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो हम बातें कुछ काम करते हैं। और ये फ्रूट बाहर निकाल के रखा है, ये एक सपाटेटी है, एक एप्पल है, एक कारिंगा है, तो देखते हैं क्या खाते हैं। और चलो मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, फिलहाल मैं अभी है ना थोड़ा सा काम कर लूँ और उसके बाद आपसे मिलूँ। आज पता नहीं ब्लॉग में क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो साइड में मैंने सॉन्ग चालू करके रखा है और पूरा घर हमारा सेट हो गया है। देखो
तो यहाँ का एक कुशन, यहाँ पे कुर्सी भी रखा है क्योंकि मैं बैठने वाली हूँ सिलाई करने के लिए, और सब सेट हो गया है। तो मैं अब है ना एक कप चाय बनाऊंगी, बाहर से मैंने कपड़े नहीं उतारे, अब मैं कपड़े उतारूंगी, एक कप चाय बनाऊंगी, और बालों को भी कॉम करना बाकी है, लेकिन अभी भी मेरे बाल गीले हैं तो अभी कॉम नहीं करूंगी, मैं बाद में कॉम करूंगी जब वो प्रॉपर सूख जाएंगे तब। तो मैं वैसे तो चाय मैंने छोड़ दी है, लेकिन सर्दी और खांसी है इसकी वजह से मैं चाय पी रही हूँ, ताकि ना गले को थोड़ा सा गर्माहट मिले, तो थोड़ा सा सेक जैसा होता है, और दूध पीती हूँ तो मुझे ना कफ बहुत ज़्यादा होता है। सबका अलग अलग बॉडी होता है तो सबको अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं हर एक चीज़ से, लेकिन मुझे दूध से बहुत ज़्यादा कफ होता है, और कॉफ़ी में इतनी चाय भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मैंने सुबह चाय पी लेकिन जैसे तैसे करके पी, और कॉफ़ी नहीं पीती क्योंकि कॉफ़ी है ना अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो कॉफ़ी मुझे गर्म लगती है, तो इसके लिए मैं चाय बनाती हूँ। चाय भी वैसे गर्म होती है लेकिन थोड़ी बहुत पीते हैं तो कुछ भी ऐसा ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन चाय मैं पहले से पीती आ रही हूँ, और कॉफ़ी मैं सिर्फ सर्दियों में पीती हूँ, वैसे मैं रेगुलरली नहीं पीती कॉफ़ी। तो मैं बस एक कप चाय बना लूँ अपने लिए, और उसके बाद सिलाई करने बैठूंगी, और कपड़े भी उतारने हैं और पोछा भी मारना है, लेकिन पोछा देखती हूँ मारूंगी आज तो ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे। पहले ना मैं अपनी तबीयत का ही देखती हूँ, काम होते रहेंगे तभी तो। देखो सुबह के बर्तन मैंने शाम को किए, ऐसे होता है, तो काम तो पूरी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन जो चीज़ जब संभालना होता है ना, तब वो चीज़ को हमको संभाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए तो मेरी अभी तो प्रायोरिटी में मेरी तबीयत है, तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। इतना ज़्यादा तबीयत के बारे में सोचती हूँ फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और अगर मैं ना सोचूँ तो कितनी मेरी तबीयत ख़राब होगी वो सोच लो आप। वैसे तो मुझे मम्मी आने नहीं दे रही थी, मम्मी बोल रही थी रुक जाओ तुम इधर, मत जाओ घर पे, अकेली रह रहे कि बोर हो जाओगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती अभी। और वहाँ थी तो मम्मी ने तो नज़र उतारी, कितने सारे वो होते ना चूजले वहाँ मम्मियों के, कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो नज़र उतार के देखे, कहीं पर क्या पता कि नज़र लग गई हो, तो नज़र उतारी और दवाई ली, सब लिया, दो दिन ठीक हुई और फिर से मैं बीमार हो गई। सर्दी खांसी मुझे छोड़ ही नहीं रही, बस कुछ ऐसा हाल है। पहले तो मैं बना लेती हूँ चाय मज़ेदार वाली, वैसे तो चाय अच्छी नहीं लग रही लेकिन पीना है तो थोड़ा सा ऐसे कफ में राहत मिलेगी, खांसी में राहत मिलेगी और सर्दी में राहत मिलेगी चाय से। नॉर्मल चाय बना रही हूँ, कुछ अंदर डाल नहीं रही मैं। चलो मैं चाय बना लूँ, उसके बाद में आपसे मिलूँ। इतने ज़्यादा मैंने कल कपड़े धोए थे और पीछे से धूप आ रही है, इतने ज़्यादा मैंने कल कपड़े धोए थे, और ये पर्स भी मैंने वॉश किया था, वॉशेबल है, इससे अच्छा है कि जब धोते हैं तो नई सी हो जाती है। और गर्म कपड़े भी थोड़े थोड़े करके मैं धो रही हूँ अब, क्योंकि अब है ना सर्दियाँ जा रही है, और यहाँ पर चाय भी हमारी बन रही है। बस ऐसा सोचती हूँ कि मैं जो रूटीन में व्लॉग करती थी वैसे मैं व्लॉग अब वापस से कब कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसा मन होता है मुझे व्लॉग करने का लेकिन मैं कर नहीं पाती। और मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी, मिल जाए तो सब साथ में दिखाऊँ, नहीं तो एक ये सामने रहा तो मैं दिखाती हूँ। अभी मैं मांडवी गई थी तो ये वाला कपड़ा लेके आई हूँ, तो इसकी मैं कुर्ती बनाऊँगी तो इसका वीडियो मैं आपके साथ, इसकी मैं कुर्ती बनाऊंगी तो इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे अपने लिए कपड़े स्टिच करने हैं, तो सारी मैं कुर्तियाँ ही स्टिच करने वाली हूँ, तो पहले के वीडियो जो बने हैं वो आ जाए, उसके बाद न्यू वीडियो डालेंगे। तो बस यही सोच रही हूँ, यहाँ पर चाय हमारी बन जाए तो चाय पी लो, उसके बाद मैं सिलाई करने बैठूँ, कपड़े तो मैं बाद में फोल्ड करूँगी। फाइनली हमारी चाय बन गई,
और आज मैंने इंस्टा पे एक रील्स भी बनाई है और पोस्ट की है। बहुत टाइम के बाद ऐसे मतलब कि हो रही हूँ मैं एक्टिव सारी चीज़ों में, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से बीमार। और मैं सोच रही हूँ कि अब है ना थोड़ा सा ये सारी चीज़ों में एक्टिव रहती हूँ, वीडियोस में, व्लॉग्स में और इंस्टा पे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। और पहले की तरह शाम की चाय और चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते हैं और कुछ इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे कुछ देखते हैं और फिर बाद में हम बहुत टाइम के बाद सिलाई करने बैठेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। मम्मी के घर थी तो बस फिटिंग विटिंग ये सब किया था, लेकिन सिलाई नहीं की, इतनी ज़्यादा नहीं की थी और आज भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन बहुत टाइम के बाद बैठूंगी तो थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा। तो चलो मैं चाय को इंजॉय करती हूँ और आज पता नहीं क्या हो गया है मेरे जबान को, कुछ बोलना चाहती हूँ और कुछ बोला जा रहा है और पंखा हमारा पीछे से कर रहा है शोर। तो चलो फिर चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो ये दो साड़ियाँ हैं जिन पे मुझे लेस लगानी है, तो बस ये साड़ियों पे मैं लेस लगाऊंगी। और मैं आपको ये तब दिखाने वाली थी, तो मैंने एक ये पिंक कलर का कपड़ा लिया है और एक ये वाला लिया है, तो ये दोनों की मैं कुर्तियाँ बनाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी शाइनिंग है और दोनों बहुत ही ठंडा कपड़ा है, मतलब कि गर्मियों में बेस्ट रहेगा। तो ये दो, ये तीन, ये ब्लैक मैंने 14 मीटर लिया है, तो ये पूरा मैंने अपने लिए नहीं लिया, जिन्होंने मेरे पास से सिलाई सीखी है और क्लास में आते थे उन्होंने मंगवाया था, इससे पहले भी बहुत सारा कपड़ा मंगवाया था इन्होंने, ये मंगवाया है तो मेरे लिए तो सिर्फ 4 मीटर लिया है मैंने, 10 मीटर उनके लिए है। साड़ी में मैंने लेस लगा ली और दूसरी बाकी है, लेकिन सोई टूट गई मशीन की, तो मैं अभी ना फिलहाल कुछ थोड़ा सा खा लूँगी, फ्रूट एप्पल या फिर देखती हूँ क्या खाती हूँ, बाहर ही रखा है फ्रूट मेरा, फ्रिज में नहीं रखा, तो इसको मैं फोल्ड करती हूँ और एक साड़ी में देखती हूँ अभी लगाऊँगी तो ठीक है, तो फिर बाद में लगाऊँगी क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम भी है और ये सामान सारा सिलाई का इधर रखा है मैंने। और ये इसमें कुर्तियाँ हैं जो मैंने दूसरा भी पहले भी कपड़ा लेके रखा है वो भी निकाला है, तो इसमें भी मुझे कुर्ती सिलनी है, 3 ये और 4 वो, तो टोटल 4, 5, 6, 7, 8 कुर्तियाँ मेरी स्टिच करनी है मुझे रनिंग में पहनने के लिए, घर में मतलब कि मेरे घर में पहनने के कपड़े सारे पुराने हो गए हैं और मुझे हो भी नहीं रहे अभी, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए कुछ ऐसे कुर्तियाँ स्टिच करूँ। तो चलो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं कल, और मिलें कल या फिर देखते हैं कब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।